हाई एवरी वन वेकम टू समझो लर्निंग जरोवेद डागर इस लेक्चर में हम स्कीम्स इन न्यूज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है फॉर द समझो फिल्म रिविजन सीरीज ऑफ़ ट्वेंटी ट्वेंटी टू जहाँ पर हम यू पी एस सी फिल्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं देखो स्कीम्स इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स हैं सब तो आप नहीं पढ़ सकते इसीलिए जो पिछले एक साल बारह या चौदह महीने में इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इन स्कीम्स में हमें ये पता करना चाहिए कि स्कीम का नाम क्या है कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेके आती है ये क्या इसका कॉन्टेक्स्ट रहा है इस बार और इसके की फ़ीचर्स क्या हैं बेनिफिशरी कौन है इससे हमारा स्कीम्स का पूरा पार्ट कवर हो जाता है तो लिमिटेड स्कीम्स को जो इंपॉर्टेंट वाली है हम डिस्कस करते हैं इन दिस लेक्चर द डी नोट्स फॉर दिस लेक्चर एंड ऑल दी अदर लेक्चर्स ऑफ द सीरीज आर अवेलेबल ऑन दी ऑनजो ऐप फॉर फ्री ये समझो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इट इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉइड एंड आईओ बोथ बोथ फॉर टैबलेट्स आईपैड एंड मोबाइल फोन्स। ऑल लेट्स बिगिन विद स्कीम्स इन न्यूज फॉर दिस ईयर देखो स्कीम्स अलग अलग तरीके की हो सकती हैं अलग अलग सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं हम सभी को एक साथ देख रहे हैं स्कीम्स में आपको समझना ज़रूरी है कि स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री लेके आ रही है कुछ स्टेट गवर्नमेंट की होंगी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी उस स्कीम के एम ऑब्जेक्टिव और की फ़ीचर्स क्या हैं सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है बाकी ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है क्योंकि इन्हीं की फ़ीचर्स में से ही प्रेम से पूछा जाएगा इसकी डीप एनालिसिस अगर किसी स्कीम की आपको करनी है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होगी यहाँ पे अभी उस पर टाइम वेस्ट मत करना तो देख लेते हैं हम कौन सी कौन सी स्कीम्स को पढ़ेंगे मिंदम मुंजापाई स्कीम परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड युवा स्कीम आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकर स्कीम यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ओ स्मार्ट अक्रॉस नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट पीएम गतिशक्ति कृषि उड़ान 2.0 उड़ान स्कीम राष्ट्रीय गोकुल मिशन फिर उसके बाद हम देखेंगे स्पिन के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मेडिकल डिवाइस पार्क पी कुसुम स्कीम रॉड टैप स्कीम उज्ज्वला टू पॉइंट गोल्ड बॉन्ड स्कीम उड़ान स्कीम स्माइल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PLI स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील आदर्श स्मारक स्कीम फिर हम देखेंगे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम आई पी डी एस वन नेशन वन कार्ड स्कीम हरियाणा वायु देवता पेंशन स्कीम और ऑक्सीवैन जो ऑक्सीजन फॉरेस्ट वाली स्कीम है यंग टैब स्कीम फिर उसके बाद हम देखेंगे युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स बायोटेक किसान स्कीम एमपी लोकल जो एमपी पी लैड्स है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वन स्टॉप सेंटर स्कीम पी स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम एंड देन विल लुक एट स्वामित्व emergency credit line guarantee scheme stand up india submission on agroforestry market access initiative remission of duties and taxes on export products submission on agroforestry unique land parcel identification number ulpin development of iconic tourist destination schemes urunodai scheme Gobardhan scheme मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स जो मित्रा स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कुछ स्कीम जैसी जो कि दो तीन साल पुरानी है लेकिन वो न्यूज़ में रही हैं कि फीचर्स पता कर लोगे को तो कोई नुकसान नहीं है आयुष्मान भारत फेसलेस टैक्स स्कीम न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर पी किसान सॉयल हेल्थ कार्ड परिवार पहचान पत्र प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम रूफ सोलर स्कीम राइट सर सबसे पहले हम देखते हैं मिंदम मनजाई स्कीम तमिलनाडु गवर्नमेंट की है ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द यूज ऑफ क्लॉथ बैग्स बाय द पब्लिक एंड डिस्करेज द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स इतना ध्यान रखना येलो क्लॉथ बैग्स और मंजापाई जिनको हम तमिल में ऐसा बोल सकते हैं इको फ्रेंडली बैग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम आप याद रख सकते हो मंजिल का मतलब है टर्मरिक इन तमिल जिसके पास क्यूरेटिव पावर होती है हम जानते हैं उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्कीम के ऊपर परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है इट इज़ अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म टू फर्दर एक्सलरेट एज वेल एज इंसेंटिवाइज एनर्जी एफिशियंसी इन दी लार्ज एनर्जी इंटेन्सि इंडस्ट्रीज और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे इंट्रोड्यूसड इन इंडिया इन टू थाउजेंड इलेवन अंडर दैट बाई बी डब्ल्यू जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियंसी हम बोलते हैं अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशियंसी और ये एन एम ट्रिपल ही आप जानते हो गए कि ये नेशनल प्लान जो एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इसके जो आठ मिशन हैं इसके अंडर आते हैं जिसमें आप जानते हो सबसे पहले आता है नेशनल सोलर मिशन दूसरे नंबर पे आता है नेशनल मिशन फॉर इन्हैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरे नंबर पे आता है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथे नंबर पे आता है द नेशनल वाटर मिशन फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है सस्टेनिंग दी हिमालयन इको सिस्टम सिक्स हम कह सकते हैं द ग्रीन इंडिया मिशन दिस इज दिक्स वन सेवन है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फिर एट्थ है हमारा दी नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज ये आठ मिशन हैं फिर थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं दिस इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म थ्रू द ट्रेडिंग ऑफ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ये उनको इशू किए जाते हैं टू दो हैव ओवर अचीव फ्लोरा वाले प्लांट्स नहीं है दीज आर पावर प्लांट्स जो अंडर अचीवर्स होते हैं ये इन सर्टिफिकेट्स को खरीद सकते हैं थ्रू द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आई और दी पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पी फिर उसके बाद हमें देखनी है युवा स्कीम पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये लेके आया है एम इसका ये है टू ट्रेन यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स जो यंग राइटर्स हैं उनके लिए ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन द यंग एंड बर्डिंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ थर्टी ईयर्स जिससे कि रीडिंग को प्रमोट किया जा सके राइटिंग और बुक कल्चर को प्रमोट किया जा सके इन कंट्री ऑर्गेनाइजर में याद रखना कि नेशनल बुक ट्रस्ट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम दिस विल एनश्योर फेस वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ़ दिस स्कीम और ये जो बुक्स हैं दिस विल ऑल्सो भी ट्रांसलेटेड इन टू अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंश्योरिंग द एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड लिटरेचर देयर बाई प्रमोटिंग एक भारत श्रेष्ठ भारत इस तरीके के पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं स्टेटमेंट और आपको करेक्ट मार्क करना है फिर उसके बाद आत्मनिर्भर हस्तशिल्प स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ध्यान रखना फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी एट दी ग्रास रूट द रीजन जैसे कि टर्म लोन्स दिए जाएंगे फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज फॉर सेटिंग अप एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज ये जो क्रेडिट फैसिलिटी होगी ध्यान रखना दिस विल भी कोलेट्रल फ्री और इस पर एक सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट भी होगा सिक्स परसेंट पर एन जो कि दो साल में रिपेबल होगा चुका सकते हो एलिजिबिलिटी याद रख सकते हो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिसन इंडिविजुअल जिनके पास आर्ट फॉर्म की वैलिड क्वालिफिकेशन हो नहीं तो कोई कोई भी इसको कर सकता है एग्जिस्टिंग लोन ना हो बैंक अकाउंट होना चाहिए इनके पास और इसको नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू काम करवाया जा रहा है स्कीम के ऊपर फिर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूस ऑफ यूनियन कैबिनेट के थ्रू ये आ रहा है द प्रोविजनिंग ऑफ मोबाइल सर्विसेज इन ओवर सेवन थाउजेंड अनकवर्ड विलेजेस

अब इसका स्कोप थोड़ा वाइडन कर दिया गया है नाउ इट एम्स टू प्रोवाइड सब्सिडी सपोर्ट फॉर इनेबलिंग एक्सेस टू ऑल टाइप्स ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। जैसे कि हम कह सकते हैं मोबाइल सर्विसेज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एंड क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड रिमोट एरिया ये जरूर ध्यान रखना कि रूरल एंड रिमोट एरिया जैसी आपको स्टेटमेंट देके ही कन्फ्यूज किया जाएगा कि रूरल एंड अर्बन एरिया बोल दिया है आप सोच रहे हो कि ठीक ही होना चाहिए वहां पे कन्फ्यूज मत होना दिस यूस ऑफ इज ए नॉन लैपसेबल फंड एंड दिस इज क्रेडिटेड टू दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसके बाद हमें आना है टू दी ओ स्मार्ट स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के थ्रू ये आ रही है 2021 से 26 के बीच में ओ स्मार्ट को कंटिन्यू करने की अप्रूवल मिल गई है दिस एम्स एट प्रमोटिंग ओशन रिसर्च एंड सेटिंग अप अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स ध्यान रखना 2018 में आ गई थी और ये ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैसी होती हैं जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिसोर्स साइंसिस ऑब्जर्वेशन एज वेल एज ऑफरिंग रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग एस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी इसके अंदर काफ़ी सारी सब स्कीम्स भी आती हैं सेवन सब स्कीम्स हैं नाम इनके डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव्स में यह ध्यान रख सकते हो कि अपडेटिंग दी इंफॉर्मेशन ऑन मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द रिलेशनशिप विद द फिजिकल इन्वायरमेंट इन दी दैड तो की फीचर्स आपको समझ में आ गए हैं कि आप ब्लू इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मरीन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ई जेड के एरिया में इन कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं सी वाटर पॉल्यूशन याद रखना इसके लेवल्स पीरियोडिकली मॉनिटर करने हैं यहाँ पर और स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स बनाने हैं फॉर द एक्विजिशन ऑफ रियल टाइम डेटा और ये रियल टाइम डेटा जितना भी हमें मिलता रहे कितना भी डेटा मिले वो बेनिफिशियल तो होगा ही उसके बाद नेक्स्ट स्कीम हमें देखनी है अक्रॉस स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ये भी कंटिन्यू कर दी गई है एंड दिस इज टू एड्रेस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज इतने ध्यान रखोगे फॉर द अक्रॉस स्कीम फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो दिस इज दी एटमोसफेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज अक्रॉस दो हजार इक्कीस से छब्बीस की साइकिल के लिए इसको अप्रूव किया गया है पुरानी स्कीम है इसके पास भी अपनी एट सब स्कीम्स हैं उसकी डिटेल में मत जाना और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको इंप्लीमेंट कर रही है थ्रू दी मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑबियसली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी आई आई टी एम फिर नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस ये इन एड स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन सब स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसके बाद नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट व्हिच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इससे अप्रूव की गई है और ये एक ट्रस्ट है जो कि 2006 में बना था एनईआईए का टू प्रमोट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डेट आफ स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस इससे फायदा क्या होगा कि जो कैपिटल इन्फ्यूजन होगी इन ट्रस्ट, इससे इट इंडियन प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर्स टू टैप द्यूज पोटेंशियल प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स इन दी फोकस मार्केट देन वी मूव ऑन टू दीम विच इज पी एम गतिशक्ति ये पी एम गतिशक्ति स्कीम है इसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वॉटरवेज ने इट इज ए नेशनल मास्टर प्लान डिपार्टमेंट्स in एक साथ आएंगे जिसमें रेलवे रोडवेज भी इंक्लूडेड होगा फायदा ये होना है कि कॉर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन होगी तो उससे इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आसानी से कर पाएंगे कम्पलीट भी अच्छे से होंगे और कॉर्डिनेशन होगी तो वो क्वालिटी भी बेटर होगी और जो एग्जिस्टिंग काफी सारी स्कीम्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी जैसे कि सागरमाला भारतमाला उड़ान स्कीम इनलैंड वाटरवेज इनकी कोऑर्डिनेशन बेटर होगी जल्दी इस पर अच्छा काम हो पाएगा इसके अंदर ध्यान रखना ये पॉइंट इट विल आल्सो कवर इकोनॉमिक जोन्स सच एज दी फार्मा सेक्टर्स टेक्सटाइल क्लस्टर्स डिफेंस कॉरिडोर्स इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इलेक्ट्रॉनिक पार्क्स फिशिंग क्लस्टर्स एंड एग्री जोन्स इस टाइप के पॉइंट्स आते हैं जनरली राइट सो उसके बाद हमें देखना है कृषि उड़ान 2.0 ये जो स्कीम है दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कृषि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान 2.0 और इससे फायदा ये होगा टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय एयर और इससे ये पॉइंट याद रखना इट लेज आउट द विजन ऑफ इंप्रूविंग वैल्यू रियलाइजेशन थ्रू बेटर इंटीग्रेशन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्री हार्वेस्टिंग एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एग्री वैल्यू चेन सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस अंडर डिफरेंट डायनामिक कंडीशन ये जो कृषि उड़ान स्कीम है दो हजार बीस में, में लॉन्च हो गई थी जिससे की फार्मर्स को हेल्प मिले अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ट्रांसपोर्ट करना जिससे की उनकी वैल्यू रियलाइजेशन बेटर हो सके वैल्यू रियलाइजेशन का मतलब ये है की कस्टमर को समझ में आए या जो बेच रहा है उसको भी समझ में आए की असली वैल्यू क्या है इस प्रोडक्ट की या सर्विस की और वो तभी होगी जब उनके पास एक्सेस होगा मार्केट्स का प्रॉपरली मजबूरी में डंप ना करना पड़े उनको अपने गुड्स को और 2.0 में स्पेशल फोकस दिया जा रहा है ऑन ट्रांसपोर्टिंग फूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या ट्राइबल एरियाज के आप बात कर सकते हो फिर उसके बाद उड़ान स्कीम जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के थ्रू ही आ रही है जो कि अभी वही हमने डिस्कस किया है उड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम के अंदर जो एम था वो था एनहेंसिंग कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री दंट्री मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल और इसके अंदर क्या होता है कि लगभग लगभग आधी सीट्स उड़ान फ्लाइट्स के अंदर ऑफर की जाती हैं एट सब्सिडाइज फेयर्स और ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ ज्वाइंटली फंडेड होती है और फिर उड़ान फोर इसमें नॉर्थ ईस्टर्न हिल एरिया पे आईलैंड पे फोकस किया गया था फिर उसके बाद हमें आना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेरिंग इसको 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था टू कंजर्व एंड डेवलप इंडिजिनियस बोविन ब्रीड्स अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट इसके की ऑब्जेक्टिव थे डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स एंड ऑल्सो अंडरटेकिंग ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर इंडिजिनियस कैटल जिससे की इनका जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव हो सके और स्टॉक भी इंक्रीज हो सके मिल्क प्रोडक्शन इनहस हो सके प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके उसके बाद हमें आना है स्पिन स्कीम के ऊपर केवीआईसी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस केवीआईसी का मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इनके थ्रू ये स्पिन स्कीम आई स्पिन का मतलब स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया स्पिन स्कीम जिससे कि पॉटर्स को सेल्फ सस्टेनेबल बनाया जा सके ये ध्यान रखना दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पॉटर्स इससे होगा क्या कि जो पॉटर्स हैं इनको इजी लोन्स मिलेंगे बैंक से जिससे की अपने एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर सकें अपनी इनकम को एनहेंस कर सकें रोजगार इनका बेटर हो सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर दी पॉटर्स ये एक नो सब्सिडी प्रोग्राम है इनको इजी बैंक लोन्स की बात की जा रही है अंडर दी प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना कोई खास फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर डालना नहीं चाहते हैं और जो बेनिफिशरीज हैं दे कैन रीपे दी लोन्स इन इजी इंस्टॉलमेंट और इससे गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज भी कम कर लेगी और पोर्टर्स को सब्सिडी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा ऐसा गवर्नमेंट कह रही है फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू दो में यह स्कीम आई थी जिससे कि लोन्स दिए जा सके अप टू रुपीज टेन लाख टू तो नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस और ये जो लोन हैं ध्यान रखना है, ये कोलेट्रल फ्री लोन हैं और इसके अंडर तीन प्रोडक्ट्स बनाए गए थे शिशु किशोर शिशु किशोर एंड तरुण मतलब जो लोन है वो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तक का होगा किशोर का मतलब फिफ्टी थाउजेंड से पांच लाख रुपए के बीच में और तरुण का मतलब है पांच लाख रुपए से दस लाख रुपए के बीच में बेसिकली आप कह सकते हो फिफ्टी के से लेके दस लाख रुपए तक का लोन हो रहा है थ्री स्टेजेस में शिशु किशोर तरुण राइट सो उसके बाद हमें देखना है मेडिकल डिवाइस पार्क मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यूपी की बात हो रही है प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क यूपी में एक अप्रूव हुआ है राइट सो इसमें हो ये रहा है कि चार पार्क बनाए जाएंगे जिससे कि ये इंडस्ट्री को मेडिकल इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूम मिले मेडिकल डिवाइसेस बहुत सारी यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो सके फिर उसके बाद पीएम कुसुम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये पीएम कुसुम स्कीम क्या है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ एम एन आर हमने देखा फॉर फार्मर्स टू हेल्प देम फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रेन्यूएबल पावर प्लांट्स जिससे की इनको फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी मिल सके तो ये ध्यान रखना कि जहां पे भी आप ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप की बात देखो पीएम कुसुम स्कीम में तो वहां पे करेक्ट मार्क करके आगे बढ़ना है और यहाँ पर इनको सोलराइज किया जा सकता है विद सेंट्रल स्टेट सब्सिडीज ऑफ थर्टी परसेंट ईच और फार्मर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी फोर्टी परसेंट की राइट उसके बाद स्कीम से बेनिफिट क्या होगा एक कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी फार्मर के लिए रूरल लैंड ओनर्स के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी फाइव इन ड्राई अनकल लैंड जहां पे वो सोलर पावर प्लांट्स लगा सकते हैं छोटे छोटे गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी ग्रिड से कनेक्ट करके इनका जो अनकल्टिवेबल या एर लैंड है उसके लिए पच्चीस साल की लीज पे इनको पैसा मिल जाएगा अगर कल्टिवेटेड लैंड को चूज किया जा रहा है तो उस केस में फार्मर अपनी क्रॉप को भी ग्रो कर सकता है उन पैनल्स के नीचे राइट सो so उसके बाद हमें देखनी है फिर रोड टेप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये स्कीम क्या है एम की रिप्लेसमेंट के तौर पे स्कीम को लेके आया गया था एम ई आई एस वॉज नॉट इन कम्प्लायस विद्लू टी ओ रूल्स एंड रेगुलेशन ये जो अभी स्कीम आई है दिस वुड रिफंड टू दी एक्सपोर्टर्स और क्या क्या रिफंड होगा दी एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज और टैक्सेस दैट वॉज सो फार नॉट बी रिबेटेड और रिफंडेड और इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो डिसएडवांटेज पे थे और यहाँ पे इंश्योर किया जा रहा है इज जीरो रेटिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स नोट करना जिससे कि इंश्योर किया जा सके कि जो डोमेस्टिक टैक्सेस हैं, दे आर नॉट एक्सपोर्टेड सभी टाइप के टैक्सेस जो कि स्टेट या भले ग्राम पंचायत ने लेवी किए हों वो रिफंड करने होंगे फिर उसके बाद उज्जवला 2.0 स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थ्रू ही आई है 2016 में स्कीम को लॉन्च किया गया था एम था टाइड एल पी जी कनेक्शन टू तो पुअर हाउस होल्ड ये ध्यान रखना और फाइनेंशियल क्या थी रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड पर कनेक्शन थे कि को करना है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो कोल को यूज ना करें वुड को बर्न ना करें फॉर मेकिंग फूड और ब्लैक कार्बन का भी इश्यू बहुत ज्यादा उससे होता है हेल्थ जा रहे हैं डेथ्स को रिड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर यंग चिल्ड्रेन को बचा रहे है पोल्यूशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं हम सो उसके बाद ये बीपीएल फैमिली का कोई होना चाहिए पुअर फैमिली जब भी उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा स्कीम के अंदर ऑब्वियसली इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए एटीन से अबव होने चाहिए पहले से एल कनेक्शन नहीं होना चाहिए तभी बात बनेगी ऐसी कोई सिमिलर स्कीम को पहले से बेनिफिट ना उठा रहे हो ये भी जरूरी है फिर सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये जो स्कीम है दिस वाज इंट्रोड्यूस इन टू और ये जो बॉन्ड्स थे सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इस पे इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स इसको कम करने की कोशिश की गई थी और इंडियंस की हैबिट है ना कि गोल्ड इकट्ठा करना है अपने पास रखना है सेव करके उसको कम करने के लिए सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स लाए गए थे कि आप पेपर फॉर्म में गोल्ड रख लो उसकी वैल्यू सेम रहेगी हम आपको कागज पे लिख के दे देते हैं कि आपको इतना गोल्ड मिल गया है उसको आप कभी भी लेके आओगे तो उसी के बराबर आपको पैसे मिल जाएंगे जो उस वैल्यू होगी उतने ही क्वांटिटी ऑफ गोल्ड की

फोकस हमारा ये रहेगा रिहेबिलिटेशन प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज काउंसलिंग बेसिक डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इकोनॉमिक लिंकेजेस ये हमारा मेन दायरा रहेगा स्कीम का और इसमें स्टेट और लोकल बॉडीज की भी काफी हेल्प चाहिए उन्हीं के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है देन वी मूव ऑन टू स्कीम विच इज प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है ध्यान रखना एम मल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को रिस्ट्रक्चर करके ही इसकी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम इसके अंदर जो रिसोर्सेज होंगी उनका 80 परसेंट विल बी फॉर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज और 33 टू 40 परसेंट वुड बी फॉर वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स अभी हमारे पास छह माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं मुस्लिम जो कि पारसीज होते हैं और जेन्स। फिर उसके बाद आती है नेक्स्ट स्कीम जिसका नाम है पी स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दी पी एल आई स्कीम इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर स्पेशलिटी स्टील और हमारा एम यह है इसमें टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ हाई ग्रेड स्पेशलिटी स्टील इन कंट्री जितनी अच्छी क्वालिटी का स्टील आप प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा ये स्पेशलिटी स्टील क्या होता है देखो एक वैल्यू एडिड स्टील जिसमें कि नॉर्मल स्टील के ऊपर और काम किया जाए इस पर कोटिंग कर दो प्लेटिंग कर दो हीट ट्रीटमेंट कर दो उसको और हाई वैल्यू उसको बेटर स्पेशलिटी स्टील बनाने के लिए जिससे कि इसको डिफेंस स्पेस पावर में यूज किया जा सके और डिफेंस स्पेस में तो आप समझ ही सकते हो कि बहुत ही हाई क्वालिटी और बेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला स्टील चाहिए उसके बाद हमें आना है नेक्स्ट स्कीम के ऊपर जिसका नाम है आदर्श मारक स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू ये आ रही है 2014 की स्कीम है प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड विजिटर एम्यूनिटीज द फिजिकली चैलेंज्ड जो प्रोटेक्टेड साइट्स हैं वहां पर सभी कम्युनिटीज को करना है ऑब्जेक्टिव्स में आप देख सकते हो जो कि मॉन्यूमेंट विजिटर्स हैं उनको एक फ्रेंडली लोकेशन बनाना है मॉन्यूमेंट्स को विजिटर फ्रेंडली बनाना है ऑडियो वीडियो सेंटर्स इंटरप्रिटेशन लेके आओ डिटली एबल्ड लोगों के लिए एक्सेबल बनाओ स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो देन वी मूव ऑन टू दावर डेवलपमेंट स्कीम आईपीटीएस अंडर दी पावर फाइनेंस कारपोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये थे दी स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन दर्बन एरियाज मीटरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स फीडर्स कंज्यूमर्स इन दर्बन एरियाज देखो काफी सारे ए टी एन सी लॉस होते थे उनको रिड्यूस करना है यहाँ पर ए टी एन सी इज इज नथिंग बट टोटल ऑफ द टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस उसके साथ साथ टी एन डी लॉस भी होता है ये बेसिकली ये देखा जा रहा है कि एक पॉइंट से ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया है ये मल्टीपल जंक्शन से होते हुए आप तक पहुंच रहा है तो बीच में काफी जगहों पे जंक्शन पे एनर्जी लॉस हो रहा है ये लॉस कितना है कितना बिल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी और कितना उसका इनपुट था उसके बीच का डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज दी लॉस ए टी एन सी लॉस टी एन डी लॉसिस इनको रिड्यूस करना है यहाँ पर फिर हमें इस्टेब्लिश करने हैं आई टी एनेबल्ड एनर्जी अकाउंटिंग ऑडिटिंग सिस्टम्स बिल्ड एनर्जी में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है बेस्ड ऑन मीटर्ड कंजम्शन एंड इम्प्रूवमेंट कलेक्शन एफिशियंसी उसके बाद हमें देखनी है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अभी तक ये वेस्ट बंगाल आसाम छत्तीसगढ़ और दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तो इसीलिए न्यूज में था कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल को इमिजिएटली इंप्लीमेंट करने के लिए बोला है ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है इट विल इंश्योर दैट ऑल दी बेनिफिशियरीज स्पेशली माइग्रेंट्स कैन एक्सेस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अक्रॉस कंट्री चाहे कोई भी पी डी शॉप हो अपनी मर्जी से कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप उस राशन कार्ड को पूरी कंट्री के लिए एक ही राशन कार्ड होना चाहिए और ऐसा नहीं कोई गरीब इसलिए उनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन से दूर रखा जाए अगर कोई स्कीम चल रही है तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए माइग्रेंट लेबर जो होते हैं उनका राशन कार्ड अपनी होम स्टेट में होता है वो काम के लिए कहीं और पहुंच गए हैं तो इसके मतलब ये नहीं ना कि उनको सब्सिडाइड फूड ग्रीन ना मिले और इससे बेनिफिट ये भी है कि वन पर्सन विल नॉट होल्ड मोर देन वन राशन कार्ड ये बेनिफिट लोगों को भी होगा और फिर गवर्नमेंट को भी सब्सिडीज की लीकेज को कट डाउन करने में हेल्प मिलेगी राइट सो उसके बाद हमें नेक्स्ट आना है हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम एंड दी ऑक्सी ऑक्सीजन फॉरेस्ट स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ये लेकर आई है इट इज एन इनिशिएटिव जिसको लाया गया है टू ऑनर ऑल ट्रीज विच आर ऑफ द एज ऑफ सेवन ईयर एंड अब एंड दे हैव ह्यूमैनिटी थ्रू आउट है लाइफ जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया इन्होंने पोल्यूशन को रिड्यूस किया छाओ दी है शेड दी है तो इनको एक तरीके से ऑनर किया जा रहा है इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और इनका ध्यान रखा जाएगा इनको पेंशन मिलेगी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज की जिसके बेसिस पे इनका दरख रखाव रखा जाए बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ट्री पेंशन फिर ऑक्सीवैन ऑक्सीजन फॉरेस्ट बेसिकली ऐसे लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पे तीन करोड़ ट्रीज को प्लांट किया जाएगा उगाया जाएगा और पूरे हरियाणा का टेन परसेंट लैंड ऑक्यूपाई करेंगे फिर उसके बाद टैब स्कीम लद्दाख गवर्नमेंट के थ्रू यूटी ऑफ लद्दाख फॉर द स्टूडेंट्स टू एनकरेज देम फॉर डिजिटल लर्निंग टैबलेट्स दिए जाएंगे ये स्कीम हम देख चुके हैं रिपीट हुई है फिर बायोटेक किसान स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बायो ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है विच इज पैन इंडिया प्रोग्राम टू स्टिमुलेट

ऑफ डेवलपमेंटल नेचर जिससे कि ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बने बेसिक फैसिलिटीज आए इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम्युनिटी इंफ्रा बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है और एनुअली एम पी लाइज को पांच करोड़ रुपए देने होते हैं स्कीम के थ्रू थ्रू दस एम पी इन एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी और ये अपने डेवलपमेंटल काम यहाँ पे करते हैं और इसमें एक कंडीशन ये रखी गई है कि हर साल पंद्रह परसेंट जो काम होगा वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के लिए होगा 7.5 पॉइंट परसेंट एस टी पॉपुलेशन के लिए होगा इन दैट कॉन्टिट्यूसी और ये जो फंड जो रिलीज होते हैं दीज दीज आर आर इन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स एड डायरेक्टली टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और ये जो नॉन उसके बाद हमें देखना है स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू बात चल रही थी कि पंद्रह हजार करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे एज इंटरेस्ट फ्री फिफ्टी ईयर लोन फॉर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स मेजरली बस यही याद रखना यहाँ पे इंसेंटिव भी है फॉर द स्टेट फॉर मोनिटाइजेशन और रीसाइकलिंग ऑफ इंफ्रा एसेट्स एसे डिसमेंट ऑफ स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उसके बाद नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एमडब्ल्यू सी डी ये जो स्कीम है इसको पॉपुलरली सखी स्कीम भी बोलते हैं दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और ये एक सब स्कीम है अम्ब्रेला स्कीम का नाम है नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जिसमें टारगेट किया जा रहा है 18 साल से बड़ी वुमेन के लिए विच आर एफेक्टेड बाय वायलेंस रिस्पेक्टिव ऑफ वायलें कास्ट क्लास रिलीजन रीजन सेक्सुअल ओरिएंटेशन और मैरिटल स्टेटस वुमेन हेल्पलाइन होगी इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगा रेस्क्यू सर्विसेस होगी मेडिकल असिस्टेंस साइको सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग लीगल एड सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा शेल्टर भी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी भी होगी उसके बाद आती है

और इसमें दोनों काम किए जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज को बोल रहे हैं कि आओ यहाँ पे डोमेस्टिक शॉप्स सेटअप करो यहीं पे अपनी ताम झाम लगाओ और लोकल कंपनीज को भी बोल रहे हैं कि आप एक्सपेंड करो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस मिल जाए और इंडियन ब्रांड्स को काफ़ी ज़्यादा मास स्केल पे हम बढ़ा कर दें इस सेक्टर में और जो फार्म प्रोड्यूस है इनके अच्छे प्राइसेस मिल जाए हायर इनकम टू फार्मर्स ये भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है और ऑफ फार्म जॉब्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो जाए उसके बाद हमें देखना है द लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है इन्होंने ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना यहाँ पे होगा क्या कि हर गांव को जो स्कीम के अंदर या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर देखा जा रहा है इनको एक क्लस्टर के अंदर लेके आ रही है और जो सभी फार्मर्स हैं अपने फार्म और लाइफ स्टॉफ के साथ दे नीड टू टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स और जब ये ऐसा करेंगे तो इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और जब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा एक ही तरीके से सब लोग प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं तो सर्टिफाइड प्रोग्राम के थ्रू सिमिलर प्रोडक्शन होने से बेटर स्ट्रीम लाइन सेल्स होंगी जब ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंदर फार्मर्स अपने सेट नॉर्म्स को कम्पलीट कर लेते हैं तो इनको ऑर्गेनिक का करार दिया जाएगा आफ्टर टू टू थ्री इयर्स जब ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को फॉलो करेंगे फिर स्वामित्व स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज पहले ये सिर्फ नौ स्टेट ले था सभी स्टेट्स की तरफ एक्सटेंड कर दिया गया है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन दी रूरल सेक्टर विद दी हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स यहाँ पे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस को नेक्स्ट लेवल लेके जाने की बात हो रही है आप जब प्रॉपरली मैनेज होंगे रिकॉर्ड्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा विलेजर्स के लिए बैंक फाइनेंस अपना अवेल करना प्रॉपर्टी को रख के जब प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे फुलफिल हो सकती हैं फिर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ई सी एल जी एस अंडर दिनिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के बारे में जो न्यूज़ थी दैट द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दी इमरजेंसी गाइडलाइन गारंटी स्कीम और फिर इसका स्कोप जो है वो हॉस्पिटेलिटी ट्रैवल और टूरिज्म में भी लेके आ गए थे ये जो स्कीम है आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज टू मिटिगेट दी डिस्ट्रेस ऑफ दोना वायरस पैंडमिक लॉकडाउन जिससे की अलग अलग सेक्टर्स को क्रेडिट दिया जाएगा स्पेशली दी एमएसएमई और ये जो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है दिस इज प्रोवाइडिंग हंड्रेड गारंटी कवरेज जहां पर बैंक और एन लोन दे रहे हैं और यहाँ पे कोई भी गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी फ्रॉम दी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस उसके बाद स्टैंड अप इंडिया स्कीम द स्टैंड अप इंडिया स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये तो पांच साल पहले स्कीम आई थी टू प्रमोट ऑनरप्रनोरशिप अमंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स और ये ग्रास रूट लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही थी टू प्रमोट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन क्टर को कैटर करने के लिए एस सीज एस एंडरप्रम रखना उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना हैल्चर एंड फार्म वेलफेयर दिस एम विच हैजीन साइंड रिसेंटली इज इंसेंटिंग दी फार्मर्स टू टेक अप सैरिकल्चर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स जिससे की मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड विजन को और इम्प्रूव किया जाएगा देखो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन वेलफेयर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है स्कीम को ऑन सिंस 2016 और ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर चल रहा है एम इसका ये है टू एनकरेज फार्मर्स टू प्लांट मल्टीपर्पज ट्रीज टूगेदर विद एग्रीकल्चरल क्रॉप फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रो फॉरेस्ट्री की बात हो रही है बेसिकली एग्रीकल्चर भी हो फॉरेस्ट्री भी हो उसी जगह पे देन वील लुक एट मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव एम स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखो ये जो स्कीम है दिस इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम एक्सपोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए फिर आती है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन यू एल पीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पहले ये दस स्टेट्स के लिए था पूरी कंट्री में रोल आउट हो गया है इस स्कीम के तहत देर विल बी ए फोर्टीन डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर विच विल बी इश्यू टू एवरी प्लॉट ऑफ लैंड इन कंट्री हम कह सकते हैं कि ये लैंड का आधार है जिससे कि हर पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लैंड फ्रॉड हमारे प्रिवेंट हो जाएंगे स्पेशली इन रूरल इंडिया जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं फिर केसेस चलते हैं कई कई डेकेड्स तक लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी ज़मीन का बंटवारा और जो स्कैम जो उनके साथ फ्रॉड उनके साथ हुए हैं वो नहीं हो पाता है लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेनटेनड ही नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि एक्चुअल लैंड किसका कौन सा है उसके बाद हमें देखना है दी डिपार्टमेंट ऑफ आइकॉनिक ट्रस्ट डेस्टिनेशन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत इस स्कीम को हम देखें तो इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड आइकॉनिक डेस्टिनेशन इन दंट्री टू बूस्ट टूरिज्म एंड सर्व एज अ मॉडल फॉर अदर टूरिज्म उसके बाद स्कीम, की इस स्कीम के तहत मंथली असिस्टेंस विल बी गिवन रुपीज एट थर्टी इज फैमिलीजामिटी फिर गोबर्धन की थ्रू ये करी जा रही है इम्प्लीमेंट इसके दो मेन फेसेट्स है कॉम्पोनेंट्स है क्रिएटिंग ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस मैनेजिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन Villages. इतना हम ध्यान रखेंगे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्रा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू यहाँ पर बात हो रही है सेटिंग इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंडल मित्रा पार्क जिसके लिए बहुत खर्चा किया जा रहा है टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लग एंड प्ले फेसिलिटीज टूबल क्रिएट ग्लोबल चैंपियंस इन एक्सपोर्ट या फिर ये तो चीजें हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी बुस्टअप होगा इट इज अंट्रल से स्कीम जो कंपनी पे गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे उनको इंसेंटिव भी मिलेगा फोर टू सिक्स परसेंट का और फिर उसके बाद आती है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहां पर बात हो रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया जाए जिसकी पोटेंशियल और स्ट्रेंथ उस डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही हो और वहाँ पे क्लस्टर डेवलप कर लिए जाए वो क्लस्टर मिलजुल के उस प्रोडक्ट को मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हो और वो एक हब बन जाए जिसके लिए फिर मार्केट लिंकेज भी प्रोवाइड कर ली जाए अगर हब हाँ बनेगा तो मार्केट लिंकेज बननी आसान होगी जिससे वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी रूरल ऑन्टरप्रनरशिप आएगी और ये जापान का एक कॉन्सेप्ट है जो कि वहाँ पे बहुत कामयाब हुआ है इसलिए इसको यहाँ पे भी सोचा जा रहा है कॉम्पिटेटिव और स्टेबल प्रोडक्ट बने फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया टू पुश सेल्स बाकी एशियन कंट्रीज में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर चला है फिर उसके बाद आता है दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर 2016 में आई थी पांच साल इसे कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंदर मर्ज की गई कुछ स्कीम जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये ध्यान रखना इट एम्स टू रिड्यूस द प्रीमियम बर्डन ऑन द फार्मर्स एंड इंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम फॉर द फुल इंश्योर्ड सम ये कवरेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ऑल फूड एंड ऑयल सीड क्रॉप्स जनरल क्रॉप एस्टिशन सर्वे फिर उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू पॉइंट टो भी आया जिसके अंदर माइग्रेशन थी वो कम्पलीटली वॉलंट्री थी एनरोलमेंट वॉज हंड्रेड परसेंट वॉल्ट्री फॉर ऑल फार्मर्स और सेंटर की जो प्रीमियम सब्सिडी थी वो भी कैप कर दी गई थी अंडर द स्कीम फॉर प्रीमियम अप अपू थर्टी परसेंट फॉर अनिगेटेड एरिया स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी गई थी टू इम्प्लीमेंट स्कीम एंड ऑप्शन टू सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क कवर्स फीचर्स लाइक प्रिवेंटेड सोइंग लोकलाइज क्लाइमिटी एडवर्सिटी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज और जो पेंडेंसी थी उनको पिनलाइज किया जाएगा और आइस एक्टिविटीज़ी इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती हैं उन पे थोड़ा फोकस रखा जाएगा उन पे इन्वेस्टमेंट होगी फिर आया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू सभी सी ए पी एफ के लिए भी एक्सटेंड किए गए थे बेनिफिट्स इसके इस स्कीम के फीचर्स देख लेते हैं इट इज दर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस अश्योरेंस स्कीम फाइनेंस्ड बाई द गवर्नमेंट कवरेज ऑफ फाइव लैक्स पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस प्राइवेट एंड पब्लिक इन इंडिया कैशलेस एक्सेस मिलेगा हेल्थ केयर सर्विसेज का फैमिली साइज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज जेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो प्री एगजिस्टिंग कंडीशन है वो डे वन से कवर होंगी पूरी कंट्री में ही एप्लीकेबल होगा कहीं पे भी आप इलाज करा सकते हो पब्लिक हॉस्पिटल आर रीन बर्ड फॉर दी हेल्थ केयर सर्विसेज एट पार विद दी प्राइवेट हॉस्पिटल फिर उसके बाद फेसलेस टैक्स स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इट इज एन अटेम्प्ट टू रिमूव इंडिविजुअल टैक्स ऑफिशियल अटेमिजल एंड पोटेंशियल हरासमेंट फॉर इनकम टैक्स पेयर्स इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू रिमूव फिजिकल इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल उसके बाद आता है द न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा टू ब्लॉक लेवल इन जम्मू एंड कश्मीर की यूटी जो है यूनियन टेरिटरी ऑब्जेक्टिव विल बी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विच डायरेक्टली लीड्स टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर इन जी एंड के उसके बाद हमें देखना है पी एम किसान स्कीम काफी फेमस स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू ऑगमेंट दी सोर्स ऑफ इनकम एंड मार्जिनल फार्मर्स स्कीम के अंदर छः हजार हर साल फार्मर्स को दिए जाएंगे उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली क्रेडिट करके जो हायर इनकम वाले होंगे ऑफकोर्स उनको तो नहीं मिलेंगे लैंड होल्डिंग्स कितनी भी बड़ी हो दो के बाद ये आया था कि सबको ये बेनिफिट दिया जाएगा पहले स्मॉल और मार्जिनलाइज फार्मर्स नहीं था जो अफ्लुएंट फार्मर्स हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है जो इनकम टैक्स हैवी पे कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं फार्मर्स हैं लेकिन डॉक्टर इंजीनियर लॉयर्स भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको नहीं मिलेंगे स्टेट्स भी काफ़ी सारे ऐसे सिमिलर प्रोग्राम्स लेके आती हैं जैसे कालिया स्कीम हो गई उड़ीसा में भवंतर भुगतान योजना हो गई एम में और फिर रितु बंधु स्कीम हो गई तेलंगाना में ये ध्यान रखना उसके बाद हमें देखना है दी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दिस वॉज लॉन्च बाय दिस मिनिस्ट्री इन टू इस स्कीम के अंडर ना विलेज लेवल टेस्टिंग की जाएंगी बाय द यूथ हैविंग एजुकेशन इन एग्रीकल्चर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें फोकस भी किया जाएगा ऑन एनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आफ्टर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट एक रिपोर्ट है आपके सॉइल हेल्थ की फार्मर के लिए एक प्रिंटेड रिपोर्ट है और फिर फर्टिलाइजर्स की रिकेमेंडेशन दी जाएंगी बेस्ड ऑन दी हेल्थ ऑफ दी सॉइल पीएच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऐसे 12 पैरामीटर्स पे ऑर्गेनिक कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटेशियम सल्फर जिंक बोरॉन आयरन मैंगनीज कॉपर इन टाइप की चीजों के ऊपर पैरामीटर्स पे एसेस किया जाएगा सॉइल को और फिर रिपोर्ट दी जाएगी उसके बाद आता है दी परिवार पहचान पत्र स्कीम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की यह स्कीम है हरियाणा की सभी फैमिलीज को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है इतना ध्यान रखना फिर प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर 2020 के अंदर ये लॉन्च की गई थी के द एम फॉर सेक्टर ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द एक्सेस टू फाइनेंस बाय माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंक्रीज इन द रेवेन्यूज ऑफ टारगेट एंटरप्राइजेस एनहेंस कंप्लायंस विद फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ

The aim would be to achieve a cumulative capacity of 40,000 megawatts from rooftop solar projects by 2022. DISCOMs implement कर रही हैं इसको. Grid-connected solar power rooftops चाहिए, जिससे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, linkage proper हो सके, और फिर फास्फेल फ्यूल की जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके. ये सारी स्कीम्स थी जो हमें देखनी थी. आई होप कि आपको सभी स्कीम्स उनकी मिनिस्ट्रीज और उनके की फीचर्स याद हो गए होंगे इनको पी से भी एक बार फटाफट आप रिवाइज करोगे तो आपका काम हो जाएगा उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमल है आई होप इड इन जॉइड वॉचिंग द लेक्चर ऑल दी पी डी एफ फॉर ऑल दी लेक्चर्स दैट वी आर कवरिंग इन दी एस पी आर सीरीज आर अवेलेबल ऑन दम जो ऐप जस्ट होम पेज पर जाओ वहाँ पे एस पी आर ट्वेंटी ट्वेंटी टू का कोर्स देखो उस पर क्लिक करो फ्री में पी डी एफ अवेलेबल है सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड्रॉइड ऐप आईओएस ऐप और सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होंगी प्लीज ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी ऑल राइट सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू